हाँ दोस्तों, तो हम आ चुके हैं आज ऋषिकेश में। ऋषिकेश हमारे ऋषि मुनियों के योग और तपस्या का स्थान रहा है। यहाँ पे आपको रिवर राफ्टिंग, राम झूला, लक्ष्मण झूला के काफ़ी अच्छे दर्शन होंगे। और यहाँ पे एक त्रिवेणी घाट है जहाँ की आरती काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे आरती के जो दृश्य है वो देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं ऋषिकेश भ्रमण के। हम आपको टॉप स्थान के नाम बताएंगे। जहाँ पे आप आए ऋषिकेश तो आप जरूर जाएं। ये जो दृश्य आपने देखा अभी वो भगवान शिव की मूर्ति जो कि रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, और रेलवे स्टेशन का जो अद्भुत दृश्य है वो आप अभी देखेंगे और कहेंगे कि रेलवे स्टेशन नहीं कोई बड़ा पार्क है। तो चलते हैं, आज की हमारी यात्रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हुए चलें, क्योंकि हम अभी रेलवे स्टेशन पे है तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन का ऑप्शन है। आप यहाँ पे बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, बाय बस भी आ सकते हैं, और फ्लाइट की सुविधा यहाँ पे नहीं है। फ्लाइट की यहाँ से लगभग 43 किलोमीटर दूर देहरादून में सुविधा है, आप वहाँ से भी फ्लाइट से आ सकते हैं। लगभग सारी सुविधा आपको मिलेगी। और हरिद्वार से आते हैं तो आपको लगभग 25 किलोमीटर की सफ़र करके ऋषिकेश आना होगा। ये आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार दृश्य, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ऋषिकेश आते हैं तो आपको 2 से 3 दिन स्टे करने की ज़रूरत है। आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा क्योंकि यहाँ के मौसम और यहाँ की जो प्रकृति के दृश्य है कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है। तो आज हमारे साथ आप ऋषिकेश के भ्रमण करने वाले हैं। ये यहाँ की बस स्टैंड है और बस स्टैंड का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको अगर आप 1 डे का प्लान करके आ रहे हैं, अगर आप हरिद्वार में स्टे का प्लान किए हैं, तो यहाँ पे आपको विक्रम टेम्पो लेना पड़ेगा और वो आपको 500 का किराया लेके सारे घाटों का और आपको जो प्रमुख मंदिर है वो आपको दर्शन करा के यहीं पे ड्रॉप करेंगे। फिर आप आराम से हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन 1 डे का। और दूसरा, अगर आप 2 दिन की प्लानिंग करके आते हैं तो आपको यहाँ पर स्टे भी करना पड़ेगा और हम आपको सबसे अच्छे और सबसे सस्ता ऑप्शन बताने वाले हैं। अगर आपको नाव की सवारी करनी है तो यहाँ से आप नाव की सवारी कर सकते हैं। एक किनारे से दूसरा किनारे ले जाने का मात्र आपको 40 रुपये पे करना पड़ेगा। ऐसे रेट अब बढ़ चुका है, पहले कम था, पहले 15 या 20 रुपये था, अब 40 रुपीज़ हो चुका है। यहाँ से आपको जानकी सेतु और राम झूला के भव्य दर्शन होते हैं जो कि काफ़ी शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। सामने पहाड़ी ऊंचे ऊंचे और दोनों ओर झूले। रिवर राफ्टिंग के भी आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमने रिवर राफ्टिंग के ऊपर एक पर्सनल वीडियो बना रखा है, आप जाके जरूर देखें। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का पैसा लिया जाता है। यहाँ पे स्टे ऑप्शन की बात अगर कहें तो सबसे प्रमुख जो है, यहाँ पे लोग दूर दूर से आके स्टे करते हैं, योगा करते हैं, योगा के भी यहाँ पे सुविधा दिया जाता है और भजन कीर्तन के भी यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। स्वर्ग आश्रम है जहाँ पे कहा जाता है काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पे हमारे ऋषि मुनि तपस्या योग किया करते थे। दूसरा है गीता भवन, तीसरा है परमार्थ निकेतन, आप यहाँ पर जरूर स्टे करें। वीडियो सेपरेट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो उसमें भी विजिट कर सकते हैं। हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट पे। त्रिवेणी घाट के जो संध्या की आरती होती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है और इसके जो दृश्य होते हैं अभी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही हमारी एंट्री होती है यहाँ पे तो आप देख रहे हैं संध्या आरती के समय हो चुका है और यहाँ पर लोग बैठ चुके हैं। एंट्री आज आरती शाम को 7 बजे होनी है, लेकिन अभी टाइम हुआ है 5 बजे हैं, लेकिन जहाँ पे आरती होनी है वो आप देख रहे हैं वहाँ पे लोग खड़े हुए, एंट्री बंद कर दिया गया है। तो इतनी भीड़ होती है, अभी हम आरती के दर्शन आपको कराने वाले हैं।
यहाँ पे तीन पवित्र नदियाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है और यहाँ पे स्नान करना कहा जाता है पाप भय से मुक्ति मिलती है। और यहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है और दृश्य भी मन को लुभा देने वाली होती है। और आरती की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है, अभी हम आपको आरती के दिव्य दर्शन कराने वाले हैं। यहाँ पे आरती शुरू होने से पहले और आरती के समाप्त होने के बाद जो दृश्य देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मन को लुभा देने वाली होती है। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे आरती के बाद झूम उठते हैं और आनंद लेते हैं। हम अभी पी रहे हैं लेमन टी और चाय, आप देख रहे हैं स्टो है और डीजल से जलता है। अभी अभी बना रहे हैं कॉफ़ी, चलो कॉफ़ी पीते हैं। और ये घाट है जो कि हाउसफुल है, हम इस टाइम बाहर बैठे हुए हैं। घाट के बाहर भी अपना अलग ही मजा है और पूजा हो रही है आरती होगी, अब जाएंगे बाद में, अभी तो जब है। घट में लेमन टी पीने का मजा ही चला गया। अब हम बाहर की ओर जा रहे हैं, दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, आरती की भी दर्शन हमने कर लिया क्योंकि भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो थोड़ा जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।